हमारा सवाल है कि पूरा एजुकेशन देश भर का सब्सिडाइज्ड क्यों नहीं है? आप जिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को एम्यूलेट करना चाहते हैं एज इकोनॉमिक मॉडल्स, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लीजिए, फ्री एजुकेशन है. फ्री एजुकेशन छोड़िए, आप वहाँ पे एजुकेशन इंसेंटिव्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, पैसे दिए जाते हैं पढ़ने के लिए. तो आप इनको एक तरफ आप मॉडल भी बनाएंगे, पर आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स को सब्सिडीज क्यों चाहिए? हर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रिसर्चर्स को एज एम्प्लॉयज ट्रीट किया जाता है. इट्स अ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट टू डू रिसर्च. वी आर स्टिल कॉल्ड स्टूडेंट्स. पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने गालियां देते हुए लाइट ऑफ करके बिल्कुल जनरल डायर की तरह जोर बाग पे एक आदेश दिया. On 28th, when they passed the hostel manual, it was passed without any consideration of our demands, of our requirements, which we mailed them. They did not discuss it at all. And after 28th, we started our protest. Draft के पहले से ही हम लोगों ने email करना शुरू किया था IHA को कि जो changes हैं इसमें बहुत सारे clauses ऐसे हैं जो बहुत ही derogatory हैं, जो स्टूडेंट्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं. उसमें ड्रेस कोड जैसी बातें थी, फी हाइक का एक मुद्दा था, तो उसको लेके लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे. हमने लगातार कोशिश किया कि वाइस चांसलर, IHA, रेक्टर, प्रॉक्टर कोई भी हमसे बात कर सके, लेकिन कोई भी टर्निंग नहीं हुआ. लोगों ने एक लॉन्ग मार्च प्लान किया था और यूनियन की तरफ से कॉल था कि देश भर में सारे स्टूडेंट्स इसको एज नेशनल प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व करें, क्योंकि जैसा कि हम लोग बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आज फी हाइक को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं. एक तो रात से ही बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी थी एंड देयर वर मल्टीपल लेवल्स ऑफ बैरिकेड. हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया था यूनिवर्सिटी को, JNU के स्टूडेंट्स को अंदर अपने ही यूनिवर्सिटी में ट्रैप कर दिया गया था. उसके दौरान जब हम लोग जाते एकदम प्लकार्ड्स लेके मैसेजेस लिख के कि दिल्ली की जनता को पता चले कि आज JNU के साथ पिछले 24 दिन में क्या हो रहा है. स्टेट एक तरीके से पुलिस को यूज़ करके आतंक खुद फैला देता है कि यहाँ पे मारपीट कर दो, बैरिकेड्स लगवा दो, उसके बाद CRPF एकदम तैनात कर दो कि स्टूडेंट्स को पीटा जाए, मारा जाए, लाइट ऑफ करके पीटा जाए, लड़कियों को वहाँ पे एकदम खींचातानी किया जाए, मोलेस्ट किया जाए. वो इंसान थे ही नहीं जिस टाइम वो मार रहे थे, वो जानवर से भी बदतर बिहेवियर स्टूडेंट के साथ कर रहे थे. लोगों के हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, सर में 20-20 टांके हैं लोगों के. जो वहाँ पे विमेन उनके पुलिस पर्सनल थे वो लोग यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, तो हमें पता भी नहीं था कि वो एक्चुअली पुलिस पर्सन हैं कि नहीं है. मैं किनारे खड़ा किया गया, उसके बाद एक पुलिस वाले ने मुझे पीछे से डंडा मारना शुरू किया. मैं डंडा मारा तो मैं उससे बोला, चश्मा हटा के भी बोला कि मैं देख नहीं सकता, मुझे मत मारो, क्यों मारो, कहाँ जाऊँ, भागूँ मैं, मुझे यहाँ खड़ा होने के लिए बोला गया. वो नहीं सुना, फिर भी मुझे मारता रहा. मैं आगे की तरफ बढ़ा थोड़ा सा, फिर एक पुलिस वाले ने मुझे ऐसे गर्दन से पकड़ा और ज़मीन पर पटक दिया सीधा. यहाँ से लेकर गर्दन पर पैर रख दिया, घुटने से मारा, इससे मारा, कोहनी से मारी, और पूरा ये पूरा पार्ट मेरा ये पूरा पेट पर लात रख दिया, और इस तरह से पूरा ब्रूटल मुझे तरीके से मारा गया. वेयर इज द स्टेट? वाई डिडंट द मिनिस्टर्स, हायर ऑफिशियल्स, वाई आर दे नॉट कमिंग अप विद अ स्टेटमेंट सेइंग दैट व्हाट इज देयर स्टैंड, व्हाई आर दे बीटिंग अप स्टूडेंट्स? ये लड़ाई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है, जहाँ पे JNU जैसे जो संस्थान है वो इस देश में अब बहुत कम, क्या मैं कहूँ तो एक या दो संस्थानों में से वही एक संस्थान बचे हैं जहाँ पे आके एक गरीब तबका, काम करने वाले मजदूरों का तबका, किसानों का तबका, उनके जो बच्चे हैं वो आके उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं. बहुत सारे लोग यहाँ अपने परिवारों से लड़ के पहली बार आते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आते हैं. ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अगर यहाँ से निकले उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है. एडुकेशन एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर नहीं है. एडुकेशन जो है वो नॉलेज गेन करने के लिए होता है, और इसका वैल्यू बढ़ता जाता है जितने लोगों तक ये पास होता है. अलोन इन दिस यूनिवर्सिटी देर आर 23% स्टूडेंट्स जिनका जो है मंथली इनकम भी जितना फीस हाइक हुआ है उतना नहीं है. 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब जिनका मंथली इनकम शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, 8,000 या 10,000 हो, वो 40% स्टूडेंट को इस सेमेस्टर के अंत तक छोड़ देना पड़ेगा. जो मुद्दा है हमारा एजुकेशन का, हमारा रोजगार का, इसको हमेशा से डिस्ट्रक्ट करना चाहती है, क्योंकि किसी भी फासिस्ट सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा अकेडमिया से होता है, और JNU में वो अकेडमिया पैदा होता है. दिस इज द कल्चर ऑफ JNU दैट द स्टेक होल्डर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस.
So we are part of the university. We are not someone whom you can impose something on. We are living in a democracy and we have to respect that. हम शायद उस गार्ड को भूल गए जिस गार्ड ने यहाँ एंट्रेंस देकर यहीं पर गार्ड की नौकरी की कर उसने यहाँ पर जो है एडमिशन लिया कि यहाँ सस्ती शिक्षा मिलती है. हम उसी सस्ती शिक्षा को लेकर लड़ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि JNU ही नहीं जितनी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में यही मॉडल अप्लाई होना चाहिए. शिक्षा को साइंटिफिक वे में देखना पड़ेगा, धर्म को भी साइंटिफिक वे में देखना पड़ेगा और कोई भी महापुरुष हो, कोई भी हो, जिसको एक आर्ग्यूमेंटेटिव तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं और इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे. दीप जिसका मोहल्ला तुम्हें ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में आई मसलहत के पले, वो जो साए में आई मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता.